प्रियो, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करेंगे और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप यूहन्ना की पत्री उसका 15 अध्याय और 12 पद निकालें, प्लीज टर्न योर बाइबल और लुक टू द बाइबल, जॉन 15:12। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 12 पद को हम पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन, जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, आज फिर दोहराता हूं कि हमारे लिए कोई सलाह नहीं है। परमेश्वर आपको सलाह नहीं देता कभी, वो आपको कमांड देता है। जो उसने कहा है सो कहा है। वो आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आपको करना चाहिए, यू नो, ट्राई करके देखो। ये उसका आदेश है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। और ये बहुत आसान है परमेश्वर से प्रेम रखना, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम अपनी अपनी तरह से रखता है। लेकिन अपने पड़ोसी से, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना उतना ही कठिन है। कठिन है कि नहीं, आप बताइए कठिन है कि नहीं। ये कठिन इसलिए है क्योंकि जो सामने आपके व्यक्ति है या हो सकता है, उसकी विचारधारा आपकी विचारधारा से मेल ना खाए, या उसका जो इंटेलिजेंस है, आपका इंटेलिजेंस जो है वो मेल ना खाए, आपकी योग्यताएं उसकी योग्यताओं से मेल ना खाए, उसकी अपब्रिंगिंग किस कल्चर में, किस भाषा में हुई है। और कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसे जानने के बाद आप सामने वाले को छोटा या कमजोर समझें। लेकिन जरा ऐसे परमेश्वर की दृष्टि से देखें, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, वो सब जानता है आप क्या कर रहे हैं, सब जानता है क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या जा, फिर भी उसने आपसे प्रेम किया बिना किसी भेदभाव के। यहां तक इतना प्रेम किया कि उसने स्वर्ग की महिमा को छोड़ा और इस संसार में मनुष्य बनकर हमारे लिए मृत्यु को सहने के लिए आ गया। इतना प्रेम। बाइबल कहती है कि उसने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर प्रकट की। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे, उसने हमारे लिए मृत्यु को चख लिया। मैं कह सकता हूं कि जो फाइनल स्टैंडर्ड है लव का, वो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। और वही परमेश्वर अब आपको और मुझे आज्ञा देते हैं कि हम क्या करें, हम आपस में प्रेम रखें। लेकिन हमारा प्रेम आपस में नहीं हो पाता, उसके पीछे कई कारण है और दो तीन कारणों पर हम आज मनन कर लेंगे। कारण बहुत हैं, लेकिन एक दो कारणों पर हम मनन कर लेंगे। जो सबसे बड़ा कारण मैं अनुभव करता हूं, वो कहीं ना कहीं प्राइड है। ये प्राइड स्पिरिचुअल भी हो सकता है, ये प्राइड सोशल भी हो सकता है, ये प्राइड आपके मेंटल लेवल का भी हो सकता है, आपके फाइनेंशियल लेवल का भी हो सकता है। घमंड जो है वो हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करने से रोक देता है। स्वार्थ जो है वो हमें आपस में, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु चाहता है कि आप आपस में प्रेम रखें। प्रभु ने पतरस से क्या कहा, पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य पतरस से, पीटर से कहा, डू यू लव मी? 3री बार तो वो एकदम झुंझला गया, कहता प्रभु आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? ये पतरस क्या कहता है कि मैं अंत तक आपके साथ रहूंगा। तो प्रभु ने इससे मुंह से उगलवा लिया, कन्फर्स करा लिया, कहता मुंह से निकली हुई बात जो है वो कोई मन में सोच रहा अलग, लेकिन मुंह से बुलवाया प्रभु ने, डू यू लव मी? और 3 बार बुलवाकर परमेश्वर ने उसको एक बड़ी चुनौती दे दी। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे लोगों से प्रेम कर, टेक केयर ऑफ माई शीप। यहां पकड़ लिया प्रभु ने उसको। तो अभी मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं? तो आप हाथ उठा दोगे, भाई पुराने लोग हो। हाँ भाई करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर मैं आपके ऊपर छोड़ूं कि आप आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो, आप पकड़े जाओगे। बहुत आसान है मुझसे प्रेम करना क्योंकि मैं आपका पास्टर हूं,
मैं आपका धर्म गुरु हूँ, मैं आपको 20 साल से परमेश्वर के राज्य में बढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, 20-25 हजार, 1-1 लाख लोग आते हैं। बहुत आसान है मेरी तरफ केंद्रित होना, लेकिन आपस में प्रेम रखना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की सुधि लेना, यह हम पकड़े जाते हैं। और परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें और अपने घमंड को जो है वो बीच में, स्वार्थ को जो बीच में ना आने दें। और स्वार्थ और घमंड आपको पता कैसे आता है? भौतिकवाद से, मिटलिस्टिक चीजों से आप जो है वो अपने अंदर घमंड लेकर आते हैं, योग्यताओं से अपने अंदर घमंड लेकर आते हैं। संसार की चीजें आपको जो है वो घमंडी बनाती है, स्वर्गीय चीजें आपको कभी घमंडी नहीं बनाएंगी। जो योग्यताएं परमेश्वर आपको देगा, जो गुण स्वभाव यीशु आपको देगा, उसमें आपको घमंड नहीं। घमंड कैसे आएगा? मेरे पास ये वाली गाड़ी है, आप अपने दरवाजे पर महंगी गाड़ी खड़ी कर दीजिए, मैं आपको दावा देता हूं आप सवेरे उठ के ये देखेंगे कि पड़ोसी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। मैं प्रभु के मंच पर खड़ा हूं, गारंटी देता हूं। अगर आपके घर के आगे BMW खड़ी है तो आपको एक खुशी तो है कि आपने BMW खरीद लिया, ऑडी खरीद लिया, लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी कि किस कौन देख रहा है कि नहीं देख रहा। अभी तक पता नहीं, पड़ोसियों को पता चल गया कि नहीं पता चल गया, उनको पता चल जाए। भौतिकवाद जो है वो आपके अंदर घमंड लेकर आता है, स्वार्थ बना देता है, आपको स्वार्थी बना देता है। दो बातें हमेशा याद रखें, पहली बात, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है। बाइबिल कहती है, सुनो मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबिल कहती है, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय 14 पद में लिखा है, सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग और जो कुछ उसमें है वो सब यहोवा परमेश्वर का है। एवरीथिंग इन स्पेस इन हेवन बिलोंग्स टू गॉड। अब आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, योग्य समझते हैं, आप सोचते हैं आप पैसे वाले हैं, आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, बड़ा नाम है आपका, बड़ा काम है। कभी यूनिवर्स पर स्टडी कीजिएगा, ब्रह्मांड पर स्टडी कीजिएगा, आपको समझ में आएगा आप क्या हैं, कितने बड़े बड़े प्लैनेट्स, गैलेक्सीज। ओहो, जब मैं कभी कॉस्मोलॉजी पढ़ने बैठता हूं तो मेरा तो सर ही चकरा जाता है। हम बहुत छोटे से ग्रह पर रहते हैं, एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं, पृथ्वी एक बहुत छोटा सा ग्रह है। इसलिए जो परमेश्वर का दास है वो आपको क्या सिखा रहा है? व्यवस्था विरोध में सुन स्वर्ग और जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ स्पेस में है, ठीक है। कैंक्री 55E का नाम सुना है? कैंक्री 55, मैंने कई बार प्रचार किया है, ये एक प्लैनेट है। आप में से कोई है किसी ने हीरे की अंगूठी पहन रखी हो? चलो देखा तो होगा, पंकज जी ने तो पहन रखी होगी मुझे पता है। अरे पंकज जी आप ना पहने हीरे की अंगूठी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम कितना हीरा खरीदते हैं, छोटा सा हीरा खरीद लेते हैं, अंगूठी में लगा लेते हैं, कुछ पहन लेते हैं, खुश हो जाते हैं, हमारे पास हीरे हैं सब। सो यूनिवर्स में एक प्लैनेट है जिसका नाम है कैंक्री 55E। इस प्लैनेट की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि यह प्लैनेट जो है वो पृथ्वी से दुगना है, डबल साइज ऑफ अर्थ। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि पूरा प्लैनेट ही हीरे का है और ये परमेश्वर का है। परमेश्वर का दास दिखता है, कहता है कि सुन स्वर्ग और जो कुछ उसमें है वो सब, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो परमेश्वर के हैं। स्पेस ऑब्जर्वेशनल साइंस के अकॉर्डिंग तो केवल अभी हम 4% यूनिवर्स को जान पाए, 4% यूनिवर्स जो है वो थोड़ा विजिबल है जहां तक साइंटिस्ट पहुंचे हैं। यहां ठीक है, ये प्लैनेट है, ये 96% तो अभी पूरा स्पेस कभी इंसान पहुंच ही नहीं पाए, और अगर कभी पहुंच भी गया तो भी वचन क्या कहता है? सब परमेश्वर का। पहली बात हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात, भजन संहिता 24:1 में बहुत अच्छी बात लिखी है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब यहोवा परमेश्वर का ही है, ठीक है। अब मान लीजिए आप बैंक गए, बैंक में हमारी बहन एक्सिस बैंक में, अब आप बैंक में गए, अपने खाते में आपने पैसे निकाले 20,000 रुपए, और बैंक मैनेजर कहे जी मैं नहीं देता आपको, तो आप क्या कहोगे? भैया मेरे पैसे हैं, कैसे नहीं दोगे आप?
मैंने जमा किए, आप तो सिर्फ मैनेजर हो, स्टूवर्ड हो आप, यहां काम करते हैं आप, पर पैसे तो मेरे हैं, मैंने जमा किए थे। तो आप अपने पैसे को क्लेम कर सकते हो बिकॉज इट बिलोंग्स टू यू। बैंक मैनेजर आपको रोक नहीं सकता, अगर वो लीगल मनी है आपका तो वो आपका राइट है। ठीक इसी तरह इस संसार में जो कुछ है वो किसका है, तो फिर आप क्यों कमेंट कर रहे हैं, फिर आपके अंदर प्राइड क्यों है, फिर आप किस चीज को लेकर दूसरों को दिखावा कर। मैं आपको बताना चाहता हूं आज घमंड के और स्वार्थ के नुकसान भी आपको बताऊंगा। बहुत से लोग घमंड और स्वार्थ में मर गए, आज इस संसार में नहीं है, दे नॉट इन दिस वर्ल्ड, अपने समय से पहले मर के चले गए घमंड की वजह से, स्वार्थ की वजह से। वो एक लंबा जीवन, एक मजबूत जीवन, एक अच्छा जीवन जी सकते थे, अगर उनके जीवन में शांति होती, परमेश्वर का भय होता तो वो जीते, लेकिन घमंड और स्वार्थ की वजह से तो बड़ी बड़ी युद्ध हो गए इतिहास के अंदर। दुनिया में जितने लोग अपनी उम्र से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग जो है वो युद्ध में मर गए, और युद्ध किस बात का था, घमंड का था, प्राइड था, चीजों को बढ़ाने का, सत्ताओं को बढ़ाने का, और वो खो गए इस भवसागर में। हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पदों को देखेंगे, अगर दानियल की पुस्तक निकाले, दानियल की पुस्तक उसका चौथा अध्याय और 30 पद को देखें जरा, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 4 वर्स 30 है, क्या क्या लिखा है, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। इतिहास में एक राजा हुआ, दानियल की पुस्तक में उसका नाम है राजा नबूकदनेस्सर। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानेंगे और आपको आनंद भी आएगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको आनंद आएगा। जैसे होनार स्टूडेंट कौन होता है आपको मालूम है, जो टीचर के साथ साथ चलता है, होनार आप कैसे बनते हैं। मेरी तो मैडम यहां बैठी हुई है, उन्होंने तो मुझे मैथ साइंस पढ़ाई हुई है, मैं तो ट्यूशन भी पढ़ता था आपसे, बाद में मुलाकात कराऊंगा आपको। होनार स्टूडेंट कैसे बना जाता है, जब आप टीचर के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ चलते हैं, जो कुछ आपको पढ़ाया गया उससे आप घर जाकर पढ़ें, या घर से पढ़कर आए और आपको टीचर पढ़ाए तो आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आपको बाइबलों के सिद्धांत नहीं मालूम, बाइबल के राजाओं की कहानियां नहीं मालूम, तो फिर आपको एक लेक्चर ही लगेगा कि अरे भैया तो लेक्चर दे रहे। तो नबूकदनेस्सर एक राजा हुआ दानियल की पुस्तक में, उसने क्या कहा, अपने मुंह से कहा, क्या कहा जरा बोले, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने, क्या ये बड़ा बेबीलोन। एक दिन वो छत पर टहल रहा था, राजा नबूकदनेस्सर जो था अपने महल की छत पर था, और उसने दूर तक अपने परिश्रम को देखा, अपने कामों को देखा, और बड़ा घमंड से भर गया। जहां तक उसकी आंखें जा रही है वो जमीन उसकी है, वो सारा खेत खलियान उसके हैं, सारे महल उसके हैं, उसने सोल्जर्स देखे होंगे खड़े हुए यूनिफॉर्म के अंदर, बड़े बड़े फाटक देखे, बड़ी बड़ी चीजें देखी, व्यवस्थाएं देखी, और उसके मुंह से एक बात निकल आई, और वो बात क्या थी, क्या ये बड़ा बेबीलोन, ये नगर मेरा नहीं जिसे मैंने अपनी बुद्धि से, अपने बल से बसाया है, बनाया है। घमंड की बात उसके मुंह से निकल गई। ही वॉज ए किंग। दूसरी तरफ एक और किंग है, एक और राजा है, वो है दाऊद, किंग डेविड, दोनों राजा हैं, ठीक है। नबूकदनेस्सर कह रहा है ये सब कुछ मेरा है, मैंने अपने बल से, अपने प्रताप से, अपनी महिमा के लिए बनवाया, मेरी महिमा के लिए। लेकिन राजा दाऊद जो परमेश्वर का दास है, सेवक है, ही इज अ किंग ऑफ इज़राइल, इज़राइल का राजा है, वो क्या कहता है, भजन संहिता 24:1 में पढ़ेंगे, बुक ऑफ साम चैप्टर 24:1 क्या लिखा है, 24:1 पढ़े, देखिए पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी पर है वो किसका है। आप देख रहे हैं डिफरेंस, देख रहे हैं दो राजाओं के बीच अलग अलग विचार, और आप बताइए आप किस राजा के साथ खड़े होना चाहते हैं, दाऊद के साथ खड़े होना चाहते, क्योंकि उसने महिमा किसको दी, उसने परमेश्वर को महिमा दी। उसके सामने भी एक बहुत बड़ा महल है, जहां तक उसकी नजर जा रही है वो पूरा इज़राइल देश उसका है, लाखों करोड़ों लोग जो हैं उसकी सेवा में खड़े,
ही इज ए किंग ऑफ इज़राइल, बट वो अपने मुंह से क्या क्लेम करता है? वो कहता है पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है वो सब परमेश्वर का, उसने परमेश्वर को महिमा दी। मेरे प्रियो, आज आपके पास जो भी कहे, जो भी चीजें आपके पास है, वो सब परमेश्वर की है। और उसे देखकर आपके मुंह से घमंड की बातें नहीं, उसे मुंह से आपके धन्यवाद की जो है शब्द निकलने चाहिए कि मैं धन्यवाद करता हूं कि ये प्रभु ने मुझे दिया है। कोई चीज आप खरीदते हैं, पाते हैं, आपको कोई गिफ्ट भी देता है। मुझे याद है, एक अपनी घटना में आपको बताता हूं। 4 साल की बच्ची थी, मैं आज तक उस घटना को कभी नहीं भूला हूं। और बहुत सुंदर थी, उसकी नीली आंखें थी, भूरे बाल थे, फॉरनर थी वो, छोटी बच्ची थी। तो मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी बेटी थी, वहीं खेल रही थी, मिट्टी में खेल रही थी। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा लिसन, मैंने कहा यू आर सो स्वीट, योर आईज आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम कितनी प्यारी हो। आप जानते हो उसने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया, दिस इज व्हाट गॉड मेड मी। उसने कहा कि मुझे तो परमेश्वर ने ऐसा बनाया है। 4 साल की बच्ची, आपसे कोई कहता आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको नई गाड़ी मिल गई, जी बिल्कुल प्रभु, है ना। डू यू गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू गॉड फॉर व्हाट यू हैव? क्या आप परमेश्वर को महिमा देना चाहेंगे जो कुछ आपके जीवन में है? कोई भी योग्यता, कोई भी पद आपको मिला है, भौतिक चीज मिली है आपको, कोई मिटेरियलिस्टिक चीज मिली, कोई पद सम्मान मिला है, नाम मिला आपको, आपका प्रमोशन हुआ है, आप किसको ऑनर देना चाहेंगे? जो व्यक्ति परमेश्वर को ऑनर देगा उसका नाम स्मरण रखा जाएगा। आज हम नबूकदनेस्सर के बारे में क्या जानते हैं? बस एक राजा था, घमंडी राजा था। परमेश्वर ने उसे 7 साल जो है वो घास खिलाई, 7 साल बैल के समान, वो बैल के समान घास चल रहा था और ऊपर से ओस टपकती थी, वो देखता था। जब उसका समय पूरा हो गया तब उसे बुद्धि आई, तब वो दोबारा खड़ा हुआ और उसने कहा कि दानियल का परमेश्वर जो होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो हमें क्या सिखाता है? नीति वचन 11:2 पढ़े और उसके बाद याकूब 4:6 निकालेंगे। पहले नीति वचन 11:2 पढ़े। देखिए अभिमान जो है ना, याद रखिएगा, थैंक यू सो मच, जब अभिमान आप करेंगे तैयार रहिए अपमान के लिए। जब आप अभिमान कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए कि अपमान जो है वो आपके पीछे पीछे आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं ना, आप सूखी मछली का टुकड़ा, एक ड्राई फिश ले लीजिए, सूखी मछली, और उसे जेब में रख के आप वैशाली नगर बाजार में घूमे, एक बिल्ली आपको ढूंढ लेगी, ये कहीं से तो खुशबू आ रही है, और वो बिल्ली आपके पीछे आएगी। इफ यू हैव अ ड्राई फिश इन योर पॉकेट, अ कैट विल फॉलो यू। ठीक इसी तरह अगर आप अभिमान कर रहे हैं तो निश्चित जानिए कि अपमान आपके पीछे पीछे आएगा, और जब अपमान आएगा तो वो अपमान आपके जीवन में विनाश लेकर आएगा। इसलिए हाँ, एक और पद देख लेंगे, याकूब 4:6 निकाला। देखिए कितना सुंदर वचन है। देखिए आप परमेश्वर से लड़कर जीत तो सकते नहीं, जीत सकते हैं। इतिहास में बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, लेकिन कोई नहीं जीत सका। वो सर्वज्ञानी प्रतापी परमेश्वर जिसके कह देने से, मुख के वचन से पूरी पृथ्वी जो है, पूरा यूनिवर्स जो है बन गया, आप उससे जीत नहीं सकते। इसलिए उसने आपके सामने सरल शब्दों में, स्पष्टता में एक बात लिख दी है, और वो क्या है कि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? सामना करेगा परमेश्वर। इससे किसी भी प्रकार के अभिमान को अपने जीवन में ना आने दे, अपनी सुंदरता को लेकर, अपनी योग्यताओं को लेकर, अपनी प्रतिभाओं को लेकर। कोई भी योग्यता प्रभु ने आपको दी है उसके आगे नतमस्तक रहे। आपको मालूम है साउल के विषय में, साउल और दाऊद के युद्ध के बारे में एक बड़ी घटना मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है, अगर आप सीधे मार्ग पर चल रहे हैं, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए,
अगर आप सीधे मार्ग पर चल रहे हैं और आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, शैतान किसी को भेजकर आपसे गलती करवा देगा। वो कोई ना कोई इंस्पिरेशन ले जाए, आपके मन की बात नहीं भी होगी तो भी वो कहीं से कोई एक इंफॉर्मेशन ले आएगा और वो आपके कान में डाल देगा। जब दाऊद ने गोलियत को मार दिया, ध्यान से सुनिए, बहुत सीक्रेट आपको बता रहा हूं, सीक्रेट, जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो जब दाऊद को लोग लेकर आ रहे थे, जय जयकार करते हुए आ रहे थे, उन्होंने गीत गाया था। वो लोग गीत गा रहे थे, क्या गीत है किसी को याद है? शाऊल ने कितने को मारा? हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ये गीत गाया जा रहा था। शाऊल राजा था और उसने देखा कि मैंने तो हजारों को मारा है लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा, ये लोग गीत गा रहे हैं। जबकि उसने कितनों को मारा था? एक व्यक्ति को मारा था, गोलियत को। पर गोलियत इतना ताकतवर था, इतना विराट था फिजिकली, कि कोई उससे लड़ नहीं सकता था। सब भाग गए गोलियत को देखकर। कहानी तो आपको पता है, गोलियत कितना बड़ा दानव था, उससे कोई नहीं लड़ता। पूरी इसराइल की जो सेना थी वो पीछे जा रही थी, लेकिन उसको एक बच्चे ने मार दिया। उसने पत्थर उठाया और घुमाया और मरा और सीधे उसके सर पर, बच्चों को कहानी बता रहा हूं, बड़ों को तो पता है, और यहां पर पत्थर लगा और वो गिर गया और दाऊद ने तलवार निकाली गोलियत की और उसका सर अलग कर दिया। तो लोग, इसराइल के लोग खुश हो गए, लोग गीत गाने लगे। क्या गीत गा रहे हैं? कि शाऊल ने तो हजार मारा, दाऊद ने तो लाखों मार दी। बस प्राइड आ गया, गुस्सा आ गया शाऊल को, और वहां उसके मन में एक जलन जो है वो हो गई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप प्रत्येक दिन हजारों लोगों से मिलते हैं। हर समय आप कलीसिया में नहीं बैठे रहते। कलीसिया में आप आते हैं, नेतृत्व तो पाते हैं, शक्ति ऊर्जा पाते हैं, असली इस्तेमाल तो इसका बाजार में होगा, दुनिया में होगा, और वहां आपके पड़ोसी की तारीफ हो रही है। आप बैठे हैं, ये व्यक्ति बहुत ओनार है, अरे यार उसको देखो, और आप देख रहे हैं कि मेरा बॉस किसके बारे में बात कर रहा है, अरे यार वो व्यक्ति बहुत कामयाब है। आप देख रहे हैं कि आपके ऑफिस में किसी के लिए ताली बज रही है और आप देख रहे हैं, मेरे लिए नहीं बज रही, उसके लिए बज रही है। आपके मन में एक ईर्ष्या आ गई, एक कॉम्पिटिशन आ गया, एक गुस्सा आ गया उस व्यक्ति के प्रति, और वहीं से जो विनाश जो है वो शुरू होगा। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? अगर किसी और की तारीफ हो रही है तो आपको शाऊल के समान गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी योग्यता के लिए, उसकी उन्नति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, और अगर आप एक सच्चे विश्वासी और मसीह हैं तो जाइए और उसके कंधे पर हाथ रखिए और उसे अभिषेक दीजिए, उसे प्रार्थना कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, कहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए निश्चित प्रार्थना कर दूंगा, बजाय इसके कि आप उससे कॉम्पिटिशन करें या अपने मन में उसके प्रति जलन रख लें, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, ना केवल मानसिक रूप से लेकिन शारीरिक रूप से भी आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको मालूम है अय्यूब के बारे में एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है, अय्यूब एक धनवान व्यक्ति था लेकिन उसमें कोई घमंड नहीं था। मिडिल ईस्ट का उस समय सबसे रिच पर्सन था। आज कोई व्यक्ति धनवान हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो और वो नम्र और दीन हो, ये कॉम्बिनेशन दिखता नहीं है। आप चले जाइए तमाम नेताओं के पास, चले जाइए अभिनेताओं के पास, चले जाइए ऐसे लोगों के पास, चले जाइए जो योग्यताओं से भरे हो, जिनकी फोटोएं छप रही हैं अखबारों में, जिनकी जय जयकार हो रही है, प्रशंसा हो रही है, जिनका मान सम्मान बढ़ रहा है। जितना उनका मान सम्मान बढ़ रहा है, जितनी उनको ऊंचा उठाया जा रहा है, उतना उनके अंदर एक एंगर जो है, समझ रहे हैं आप, डिफरेंट काइंड ऑफ एंगर। अभी इन दिनों एक बड़ा ट्रेंड चल गया, मैं कलीसिया को समझाना चाहता हूं, अभी इस समय एक अजीब सी स्प्रिट देश में काम कर रही है, भारत देश में विशेष रूप से। आपने देखा है डॉली चाय वाला? देखा नहीं? देखा
बड़ा पाव गर्ल देखी आपने, तो ये दो चार लोग फेमस हो गए। कोई बड़ा पाव बना रहा है भाग भाग कर, कोई चाय बना रहा है ऐसे उछाल उछाल कर, काइंड ऑफ। अब इसे देख के बहुत से लोग जो हैं वो इंस्पायर हो रहे हैं। तो भैया वो एक बार में कोई 30 समोसे बना रहा है, कोई उछाल उछाल के बना रहा है, कोई डोसा बना रहा है, कोई लेट लेट के कुछ कर रहा है, कोई धूप में खड़ा है, कोई गन्ने का जूस उछाल रहा है और वापस उसको वो आ नहीं रहा, वापस नीचे गिर रहा है, वो कामयाब नहीं है वो। लेकिन उसे देखकर उसके मन में एक जलन है, उसके मन में देखकर एक कंपटीशन आ गया कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा कुछ करके देश में दुनिया में अपना नाम आप जरूर कीजिए, अगर वो आपकी योग्यता है और अगर वो आपका एक मार्ग है जिसको आप अपना चाहते हैं करिए। लेकिन किसी को देखकर जलन अपने मन में पैदा कर लेना कि ये कर रहा अच्छा तो मैं भी ऐसा शुरू कर दूं। बहुत से ऐसे शॉप शुरू हो गए, दुकानें शुरू हो गई ये देखकर कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। फिर वो दुकानें बंद हो गई क्योंकि वो दुकानों वालों में उनका कोई दर्शन नहीं था, उनके पास कोई विजन नहीं था। बहुत से बिजनेस शुरू हुए बंद हो गए क्योंकि वो बिजनेस प्रतिस्पर्धा में कॉम्पिटिशन में शुरू किए गए, उसके पीछे कोई लक्ष्य कोई दर्शन नहीं था। ये मसीह लोगों को नहीं करना चाहिए, मसीह लोगों को इन सब चीजों से पीछे रहना चाहिए। आप जरूर काम कीजिए, नौकरी कीजिए, कोई योग्यता प्रभु ने आपको दी है कीजिए, उसे बढ़ाइए, शांति से बढ़ाइए, बजाय इसके कि आप, आपको मालूम है मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो ट्रैफिक में सीनियर ऑफिसर है। तो उन लोगों की ट्रेनिंग्स होती है जो ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में मुझे उन्होंने बताया कि हमारे 50% जो एक्सीडेंट होते हैं उसके पीछे कारण जो होती है वो रेस होती है, दौड़, जो हाईवे पर या जगहों पर जो एक व्यक्ति तेजी से गाड़ी चला रहा है तो दूसरा उससे आगे निकलना चाहता है, हाईवे पे दौड़ होती है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। कंपटीशन जो है वो आपको विनाश की तरफ ले जा सकता है अगर आप उसका एक सही हिस्सा नहीं है। और ये तब आता है जब आप जलन रखते हैं, जब आप ईर्ष्या रखते हैं, आप क्रोध रखते हैं, आप आगे निकल जाना चाहते हैं, आप किसी को दिखाने के लिए कोई काम करें मत कीजिए, मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति रस्सी पे चल रहा है और वो आपका दर्शन नहीं है तो आप उसे दिखाने के लिए रस्सी पे मत चलिए, आपकी कमर टूट जाएगी। बल्कि प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपने मुझे कौन सी योग्यताएं दी है, ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताकर आगे ले जाना चाहता हूं। जब आपके अंदर प्राइड आएगा, स्वार्थ आएगा आपके अंदर, तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे सुन लीजिए, व्हाट चेंजेस यू मे हैव। पहली बात, आपको परमेश्वर और परमेश्वर का वचन अच्छा नहीं लगेगा, आप सुनना बंद कर देंगे, आपके आपके कान जो हैं वो थोड़े बंद बंद से हो जाएंगे। देखा ना, कभी कभी हम जहाज में जाते हैं तो कान बंद हो जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, कान बंद हो जाते हैं, वो जब जमीन पर आते हैं तभी खुलते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, जहाज में बैठते हैं तो उनके कान बंद हो जाते हैं, ठीक है, जब वो नीचे उतरते हैं तभी उनके कान खुलते हैं। तो जब आप घमंड की उस ऊंचाई पर उड़ रहे होंगे, आपको परमेश्वर का वचन, संगति, प्रार्थनाएं या परमेश्वर का वचन जो सुनने में, वो शायद आपको इतना अच्छा ना लगे। घमंड आपको आपके प्रिय लोगों से भी दूर कर सकता है, जिनके साथ अभी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, जो आपके परिवार का, आपके जीवन का हिस्सा है, आपके आसपास जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं। बहुत से रिश्ते घमंड में टूट गए, प्राइड कई परिवारों में आते हैं ना, भाइयों के अंदर और समाज के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें रिश्ते टूट जाते हैं। उसके पीछे अगर आप ढूंढिए परखिए तो क्या मिलेगा आपको, गांव में लड़ाइयां हो जाती हैं घमंड के पीछे, शहरों में लड़ाइयां हो जाती हैं, प्रिय रिश्ते जो है वो आपके टूट जाते हैं, आपका स्वास्थ्य भी, जो आपका जब आप घमंड में वॉक करते हैं, व्हेन यू वॉक इन प्राइड, आपका स्वास्थ्य भी फिर धीरे 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 ढलने लगता है। आपको शुगर 100% शुगर और आपका बीपी जो है वो हाई रहेगा, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिशन जोन में, हमेशा टेंस जोन में आप चल रहे हैं, एक टेंशन है हमेशा आपके पीछे। तो याद रखिएगा मेरे पास, आपका घमंड, आपका स्वार्थ आपको कार्यस्थल पर भी नीचे कर देगा। आपके अंदर घमंड, आप मुझे एक बात बताइए, मैं सिंपल सी एक बात पूछना चाहता हूं, बिल्कुल साधारण सी बात। कोई व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है या आपका कोवर्कर है और वो घमंडी है, आप उसे बर्दाश्त कर पाएंगे?
वो आपको अपना गुस्सा दिखाए, अपना घमंड दिखाए, आप बर्दाश्त कर लेंगे? क्योंकि आप उसे पैसे दे रहे हैं, वो आपका कोवर्कर है, आप मैनेजर है, वो नीचे आपके लोग काम कर रहे हैं, आप नहीं बर्दाश्त करेंगे? जब आप नहीं कर सकते तो क्या परमेश्वर कर सकता है? क्या और लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? इससे घमंड जो है उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए, क्योंकि घमंड आपकी जो गति है उसको वो क्षति पहुंचा के ही रहेगा, आपकी गति को नष्ट कर देगा। जहां आप आगे बढ़ रहे थे, लोग आपको वेलकम कर रहे थे आपकी नम्रता के लिए, आपकी मिठास के लिए, आपकी भाषा के लिए। केबीसी में एक व्यक्ति जो करोड़पति बन गया था, आपको याद होगा, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है, नहीं, एक व्यक्ति था, वो बहुत गरीब था और वो केबीसी में बन गया। उसके बाद वो इतना उसके अंदर प्राइड आ गया, बिहार से था आई थिंक, उतना प्राइड आ गया और ही लॉस्ट हिज मनी, ही लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी। जब भी आपके जीवन में पैसा आए, सम्मान आए, सम्मान बड़ी खतरनाक चीज है, सम्मान आपके अंदर तुरंत घमंड ले आएगा। इसलिए हम लोग जो पास्टर्स हैं, कई बार हम इस चीज पर चिंतन रखते हैं, हम आपको बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं चाहता हूं कि मैं आराम से बैठू, आप प्रीच करो, लेकिन अगर वो चीज प्रोसेस से नहीं आई, सिर्फ आपको दे दी गई कि भाई चलो कल से आप ये काम करो, तो तुरंत घमंड आ जाएगा। प्रोसेस से अगर आप पहुंचे ऊपर तक तो नम्रता की संभावना है, लेकिन ओवरनाइट आपको तुरंत मंच दे दिया, चले भाई एक्स वाई जेड आप यहां से खड़े होकर प्रचार कीजिए, वो देखो प्रचार करने के बाद फिर कैसा घूमेगा, फिर वो सोचेगा सब मुझे आके बोले कि भाई मैंने बहुत अच्छा प्रचार किया, और किसी ने नहीं बोला तो उसे और गुस्सा आएगा, क्या किसी ने बोला नहीं कि मैंने अच्छा प्रचार किया। नाम जब परमेश्वर आपका बढ़ाए ना, तो घुटनों पर आ जाना, तब घुटनों पर आ जाना। मेरी बात संसार नहीं सुनेगा, मेरी बात वही उसी को अच्छी लगेगी जो परमेश्वर का भय मानता है। संसार के लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, उन्हें मैं कहूं कि भाई जब तुम्हारा नाम बढ़े तो तुम घुटने पे आना और लेट कर दंडवत होकर परमेश्वर की आराधना करना, ये बात वो यहां से सुनेंगे, यहां से निकाल देंगे। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता होगा उसे मेरी बात समझ में आएगी कि आप बिल्कुल ठीक करें। तो घमंड जो है वो आपके कार्यस्थल पर, आप जो करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, आप, मैं बहुत सी चीजों को नोटिस करता हूं, मेरे कई मित्र हैं जो इंटरव्यूज लेते हैं, एचआर से, वो मुझे बताते हैं, मैं उनसे सुनता हूं, वो कहते हैं कि हमने उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए हटा दिया, वो योग्य था, उसके पास डिग्री थी, एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके अंदर एटीट्यूड था और इसलिए हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया। तो एटीट्यूड जो है, जो घमंड है, वो आपकी दैनिक जीवन में, संसार की बातों में भी जो है वो आपको क्षति पहुंचाएगा, और घमंड जो है वो आपके जीवन में डिस्ग्रेस और डेथ भी लेकर आ सकता है। बी केयरफुल, डिस्ग्रेस ला सकता है आपके जीवन में। आप घमंडी हैं, धीरे 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 आपका समाज, आपका परिवार, वो लोग जो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे किनारा कर लेंगे और आप अकेले रह जाएंगे। और डेथ के बारे में तो मैंने आपको बताया, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हुई, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ना जाने दुनिया में कितने लोग अपनी मृत्यु से पहले ही संसार से चले गए, लड़ भिड़ कर मर कर चले गए, युद्ध कर 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 चले गए, एक मतलब नीचे गिराना ही है उसको, बदला लेना ही लेना है, बदला लेने की आत्मा। घमंड जो है वो आपके अंदर बदला लेने की, जैसे बीमारी के लिए ऐसा कहा जाता है कि जब किसी को बीपी हो जाए, शुगर हो जाती है, तो फिर उसके और ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। मेडिकल वाले लोग भी बैठे हैं। इसी तरीके से प्राइड जो है आपके जब जीवन में आएगा तो वो क्या क्या क्षति करेगा वो आपको पता ही नहीं होगा, धीरे 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 आप कब जो है वो निकल जाएंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है भाई, इस समस्या तो देख ली हमने कि समस्या इतनी सारी है, अब इसका सोल्यूशन जो वो बिल्कुल बेसिक है, सबसे पहले अपनी प्रेयर और डिवोशन लाइफ को बढ़ाइए। सबसे पहले प्रार्थना का जीवन जो है, और प्रार्थना ऐसे भी नहीं चलते फिरते, घुटने पर, ये मेरी बात समझ लीजिए, आप घुटने पर प्रार्थना कीजिए, अपने बिस्तर पर आइए, घुटनों पर बैठिए, जैसे भी आपके घुटने जब टिकेंगे ना, तब आप अपने जीवन में, घुटना टिकाने का मतलब है पूर्ण रूप से समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण परमेश्वर के सामने, घुटने टिकाकर, हाथ उठाकर जब आप परमेश्वर, सो यू शुड हैव योर प्रेयर लाइफ और डिवोशनल लाइफ, और सिर्फ प्रार्थना करके चल नहीं देना, वचन भी पढ़ना है,
बहुत से लोग सोचते हैं ठीक है हमने आंख बंद कर ली, घुटने टिका लिए, पादरी साहब ने बताया था, बस जल्दी जल्दी बोलते प्रभु आप महान है, धन्यवाद प्रभु आपने ऐसा किया, स्तुति महिमा आपकी, हम जा रहे हैं अपने काम पर, जय मसीह की। ये काम नहीं करेगा, सिर्फ आंख बंद कर लेने से प्रार्थना नहीं होती। वचन उस बारे में क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह, डिवोशनल लाइफ, इसलिए मैं इंकरेज करता हूं बाइबल पढ़े, बाइबल पढ़े। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए, मेंटरशिप बहुत जरूरी है। घमंड आपको मेंटरशिप नहीं देगा, वो कहेगा मैं तो सब जानता हूं, मुझे कोई मेंटर कौन कर सकता है, कोई है जो मुझे मेंटर करेगा, कोई होना तो चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं मुझे प्रभु ने बहुत अच्छे मेंटोर दिए, आचार्य दया प्रकाश जी मेरे मेंटोर रहे, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी मेरे मेंटोर रहे, डॉक्टर विक्टर चौधरी मेरे मेंटोर रहे, ऐसे मेंटोर जिन्होंने हमें शेप दिया, हमें आकार दी, हमें बढ़ाया, हमें सिखाया, हमसे बातें की, हमें एक नई दिशा दी। आपके जीवन में एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपनी बातें कह सकें, अपनी बातों को, आप सोचे कि मैं तो चुपचाप रहूंगा, अंदर ही अंदर सब करता रहूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, आप फंस जाएंगे। एक दिन आप बड़े किसी मार्ग में जाकर उलझ जाएंगे, फिर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने किसी से सलाह नहीं ली। बाइबिल कहती है बुद्धिमानों की संगति में बैठ तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। अपने बड़ों से, बच्चों के लिए तो आपके सबसे अच्छे मेंटोर आपके माता पिता है। इस ये संदेश केवल बड़े लोगों के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए, सबसे जीवन में कोई भी बात हो सबसे पहले अपने माता पिता को बता दें। उन्होंने आपको जीवन दिया है, जन्म दिया है, वो आपको कभी गलत राय नहीं देंगे। मेंटोरशिप। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, फेलोशिप। कई लोग सोचते हैं कि हमें कलीसिया जाने की क्या जरूरत है, हम घर में ही बैठे आराम से, बुद्धिमान है। बहुत से लोगों ने घमंड में कलीसिया ना छोड़ दिया, घमंड ने उनको कलीसियाओं से दूर कर दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया, संगति से दूर कर दिया। प्रभु ने क्या कहा था, प्रभु ने कहा था तू मुझसे प्रेम करता है मेरे लोगों से भी प्रेम कर। तो जब आप लोगों में आएंगे, संगति में आएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। याद रखिएगा परमेश्वर की हर एक आज्ञा में आपके लिए जीवन छिपा हुआ है, इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है कि आप संगति में आए। हम्बल एक्टिविटीज, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम्बल एक्टिविटीज। छोटे छोटे काम कर लिया करें जब घमंड आए तो, घर में झाड़ू पोछा लगा लें, टॉयलेट साफ कर लें, किसी की शादी हो रही हो पड़ोस में जाकर वहां पर जो है टेंट लगवाएं, कुर्सियां बिछवाएं, मदद करें। इस तरीके से आपका समाज भी आपको स्वीकार कर लेगा, यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, एक पंथ दो काज हो जाएंगे और आप नम्र हो जाएंगे। ज्यादा घमंडी हो जाएं तो थोड़ा सा हॉस्पिटल घुमाएं, जाएं देखें आईसीयू में कैसे कैसे लोग बैठे, ठीक है। और आपका घमंड आपका पीछा ना छोड़ रहा हो तो थोड़ा कब्रिस्तान चले जाएं, महीने में एक बार कब्रिस्तान चले जाएं, आपका सारा घमंड जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, सही कह रहा हूं। और पांचवा जो पॉइंट है वो सेल्फ रियलाइजेशन है। बैठे कभी कभी एकांत में बैठे, जब रात में अपने घर पहुंच जाएं, अपना डिनर कर लें, 10 मिनट बैठें और सोचें कि आज मैं कौन कौन सी मूर्खता, गलतियां, बेवकूफियां करके आ रहा हूं। सेल्फ रियलाइजेशन, आज मैंने किससे घमंड की बात बोली, किसको मैंने अपना जलवा दिखाया, किसको अपनी शान दिखाई मैंने, किसको मैंने क्या बोल दिया। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। आप जानते क्यों, क्योंकि आपके अंदर एक आत्मा है, आपके अंदर एक आत्मा है, पवित्र आत्मा, गॉड हैज गिवन यू द होली स्पिरिट। ये आत्मा जानवरों के अंदर नहीं है, उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा आज मैं क्या करके आया हूं, लेकिन ये केवल आप कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा डाला है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते जो आपके अंदर बैठा है। उस आत्मा को अपना नेतृत्व करने दो, उस आत्मा से बात करें, अपने आप से बात करें। आप जानते जब आप अपने आप से बात कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ रियलाइजेशन, इसका क्या मतलब है, आप अपने आत्मा से, आपका मन जो है वो आत्मा से बात कर रहा है। आप समझ रहे हैं, प्राण शरीर और आत्मा तीन चीजें ना हमारे शरीर में, क्या क्या चीजें, प्राण शरीर और आत्मा। जो प्राण है वो क्या है, वो मन है, ये भी सीख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण का मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जो अलग से कोई सॉफ्टवेयर लगाया गया, वो आपका मन है। और आत्मा और मन में हमेशा युद्ध रहता है, बाइबल कहती है आत्मा जो है वो आपको स्वर्गीय सिद्धांत बताएगा, स्वर्गीय तरीका बताएगा काम करने का, और मन जो है वो आपको समाज में क्या चल रहा है, दिन दुनिया में क्या आप सीख रहे हो, वो आपको आपका मन बताएगा, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर लेता हूं। मन जो है आपको संसार की तरफ, संसार के सिस्टम में ले जाएगा, और आत्मा आपको स्वर्गीय सिद्धांतों में ले जाएगा। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन करें।
और बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट भी सुन लीजिए फिर प्रार्थना करता हूँ। सभी लोग बेनिफिट सुनना चाहते हैं ना कि अगर हम घमंड को कम करें तो हमारा बेनिफिट क्या है। सुनिए बेनिफिट, परमेश्वर स्वर्ग से अपना फेवर आपको देगा। यू विल गेट द गॉडली फेवर, परमेश्वर का फेवर आपके साथ होगा। ये मैं आपको सच बता रहा हूं। राजा दाऊद अचानक से राजा नहीं बन गया, रातों रात एकदम कोई भूकंप हुआ और वो राजा बन गया। आपको पता है वो राजा बनने से पहले छोटा बच्चा था और वो भेड़ बकरियां चराता था और वो भेड़ बकरियों में रुचि रखता था। उसकी जो भेड़ें थी उसमें वो रुचि रखता था, उनकी चिंता करता था। He was a humble boy, नम्र था वो। परमेश्वर ने उस नम्र बालक को चुन लिया कि मैं इस नम्र बालक को भविष्य में इज़राइल का राजा बनाऊंगा। तो आपको जो पद मिलेगा, जो आपको ताकत मिलेगी, वो परमेश्वर से मिलेगी। जब परमेश्वर का फेवर आपका होगा तो दुनिया भी आपके रास्ते में नहीं आ सकती। बड़े बड़े लोग आपके विरोध में भी खड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। गॉडली फेवर, परमेश्वर ने जब हां कर दी तो कोई मनुष्य मना कर सकता है? जब परमेश्वर चाहता है कि मैं इस व्यक्ति को यह काम दूं और इसके इस बिजनेस में, इसके परिवार में, और इसकी इसके पास ही वाली गाड़ी हो, इसके पास ही वाला घर हो, अगर परमेश्वर ने चाह लिया तो वो उसे कोई रोक नहीं सकता। डायरेक्ट परमेश्वर का जो है आपको फेवर मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, द बाइबल सेज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता रहा। मनुष्यों का फेवर भी आपको मिलेगा। जब परमेश्वर आपके साथ होगा तो परमेश्वर सही मनुष्यों को भी आपके लिए खड़ा कर देगा। आपको पता नहीं आपकी जिंदगी में कोई भाई आएगा, कोई बहन आएगी, कोई पड़ोसी आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा। गॉडली फेवर आपको मिल जाएगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे। अब मैं उदाहरण के लिए गिफ्टी, ये हमारा सारा मीडिया देखता है। अगर आप 1.5 साल पहले बात करें तो गिफ्टी ने शायद कितना घूमा हुआ था, थोड़ा सा इंडिया घूमा हुआ था, बस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह इस पर हुआ, आज ये पूरे इंडिया में हमारे साथ घूम रहा है, नए नए लोगों से मिल रहा है, नई कलीसियाओं से, नए पास्टर्स, नए कामों को। परमेश्वर नयापन आपके जीवन में लेकर आएगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में किसी को ऐड करेगा और उसके द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नयापन लेकर आएगा। परमेश्वर किसी को भी आपके लिए खड़ा कर सकता है। उसने तो एलिया के लिए कौओं को भेज दिया कि जाओ रोटी खिलाओ, कौए आए रोटी खिलाने के लिए एलिया को। परमेश्वर आपसे यह कहना चाहता है कि अगर आप परमेश्वर के मार्गों पर चल रहे हैं और आपके जीवन में परमेश्वर की वो शून्यता है, तो परमेश्वर आपके लिए लोगों को भी खड़ा कर देगा आपके फेवर के लिए, और आपको सेकुलर लोगों का भी फेवर मिल जाएगा। याद रखिए, गॉडली लोग तो हैं, आपको सेकुलर लोगों का भी फेवर मिल जाएगा। कोई पुलिस अधिकारी, अच्छा वकील आपको मिल जाएगा, अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाएगा, जो शायद परमेश्वर को नहीं जानता हो, लेकिन जब परमेश्वर उसे खड़ा कर देगा कि ये मेरा जन है, उसके मन में आपके प्रति प्रेम और धीरज डाल देगा, तो वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट कोई भी हो सकता है आपकी जिंदगी में, आपको अच्छा पड़ोसी दे सकता है परमेश्वर। सेकुलर लोग भी आपके लिए खड़े हो जाएंगे अगर आप नम्र होंगे, आपके अंदर स्वार्थ नहीं होगा, और आपके व्यवहार को देखकर सेकुलर लोग, परमेश्वर के लोग नहीं, सेकुलर लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति अलग है। और बहुत से लोगों ने अपने जीवन के द्वारा ही गवाही दी है बड़े बड़े मंचों पर, क्योंकि उनका जीवन नम्र था, स्वभाव नम्र था, और उनको उठाया गया, संसार ने उनको वेलकम किया। और आप जानते हैं, जब आप नम्र होंगे, आपके जीवन में घमंड नहीं होगा, आपकी उन्नति जो है वो निश्चित है। ये मेरा आपको प्रभु के मंच से प्रॉमिस है, प्रभु में होकर प्रॉमिस आपको कर रहा हूं, आपकी उन्नति निश्चित है। अगर आप नम्र और दीन हैं, रियल वाला, ऐसा भी नहीं कि दिखाने के लिए 2 मिनट के लिए बन जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता। 5 मिनट के लिए हम अपनी बुद्धि से नम्र हो जाए, 5 मिनट के लिए हम जो है किसी को दिखाने के लिए थोड़ा ऐसा हलो हो जाए, ऐसे झुक जाए, ऐसे है ना, भैया अच्छा मैसेज दिया था, आज तो झुकना ही झुकना है। अभी देखना आप संदेश के बाद सब नम्र हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जरा बाहर निकलो धूप में। अभी परसों की बात, आपको एक बात बताकर समापन की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं मार्ग में आ रहा था, भैया के बच्चे की शादी का वो एंगेजमेंट था,
तो हमारी गाड़ी टोल पर खड़ी हुई थी, मेरी गाड़ी टोल पर खड़ी हुई थी, बिल्कुल स्टॉप थी। पीछे से दो लोग आए, उन्होंने हमारी गाड़ी को धाम से टक्कर मारी। हम लोग बाहर उतरे, देखा तो गाड़ी में थोड़ा बहुत डैमेज था, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डैमेज था। और वो जो दो लोग थे वो डर गए, क्योंकि मेरे साथ सात आठ लोग थे, हम सात आठ लोग थे ना, वो दो लोग थे। और मार्ग में कोई ऐसी भीड़ भाड़ भी नहीं थी, छोटा सा टोल था, हम निकल जाते। अब आप बताइए, वहां पर अगर कोई अनगॉडली व्यक्ति होता हमारी जगह, सात आठ अनगॉडली लोग होते, तो वो क्या करते उन दो लोगों को? हाँ, क्या करते हैं? आप जानते हैं कि वो सात आठ लोग उन दो लोगों का क्या करते हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं, आराम से, टेक इट इजी, डोंट वरी, अपने मन से आप बिल्कुल घबराहट को निकाल दीजिए। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो तो डर गए थे कि ये अंदर गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हैं अब ये हमें, है ना, मैं मन से ऐसी बातें नहीं बोलता हूँ, वो सब आपको पता है क्या होगा। हमारी बहन बेटी वो तो फिल्म से है, तो फिल्म में क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, वॉशिंग पाउडर। तो मैंने कहा आप सबसे पहले धीरज रखिए, हम आपके संग कोई अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे, हम आपसे नहीं लड़ेंगे, कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स। हमने उनको रिलैक्स किया, फिर हमने उनसे उनका नाम पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं रेलवे में काम करता हूँ, जोधपुर में रहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने खुद गाड़ी को आगे बढ़कर देखा, इंस्पेक्ट किया, देखा कि कितना डैमेज है, क्या है। हमने उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपनी जेब से थोड़े से पैसे निकाले कि आप अपनी गाड़ी ठीक करा लीजिएगा। मैंने उनसे कहा कि अगर ये गाड़ी ठीक हो जाती है और अगर इसमें से पैसे बच जाएंगे, हम आपको पेटीएम करके वापस करेंगे, जीपे करके वापस करेंगे, और ज्यादा लगेगा हम आपसे मांगेंगे नहीं। वो जो देकर गए वो चले गए। आप याद रखिए, आपकी मसीहत, आपकी विश्वास योग्यता और जिस सिद्धांतों को आप सीख रहे हैं, इन सिद्धांतों का सही इस्तेमाल बाजार में है, दुनिया में है। जब आप दुनिया से भिड़ेंगे, लोगों से भिड़ेंगे, उस समय आपकी दीनता, आपका स्वभाव, आपका प्रेम और ये सारी बातें जो हम अध्ययन कर रहे हैं, हम उसे जानेंगे। फिर प्रियो, अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। बाइबिल कहती है कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करेगा, घमंडियों का सामना करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड जो है वो विनाश को ले आता है, गुस्सा जो है वो विनाश को ले आता है। घमंड आपके अंदर गुस्सा भी लाएगा, घमंड आपके अंदर स्वार्थ भी लाएगा, लालच भी लाएगा, आपके मुंह से घमंड की बातें निकलेंगी। नबूकदनेस्सर के समान आप कहेंगे ये सब मेरा है, आई एम द बेस्ट, आई एम हीरो, कोई मेरे मुकाबले नहीं है। याद रखिए, अगर घमंड की बात आप मन में आ रही है, आ भी सकती है, उसे मुंह से नहीं ना निकलने दे। हो सकता है कि मन से आते समय आप उसे ना रोक पाए, क्योंकि मन तो सबसे तेज चलता है, लेकिन मुंह को, जीभ को आप रोक सकते हैं। अगर आपने उसे मुंह से रोक लिया, आप विजयी हो जाएंगे। समझ रहे हैं? कभी कभी गुस्सा आता ना, मैं ऐसा कर दूंगा, और आप कर दें क्राइम। मेरे मित्र हैं जो पुलिस में है, वो ऐसा कहते हैं कि क्राइम सोचने की कोई सजा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्राइम करूंगा, मैं बैंक लूटूंगा, तो इसकी कोई सजा नहीं है, लेकिन अगर आपने लूट लिया तो इसकी सजा है, राइट? तो अगर मन में आ भी गया, हालांकि बाइबल ऐसा कहती है किसी ने मन में सोच भी लिया तो उसने कर ही लिया, लेकिन आप ऐसे भौतिक जगत में रहते हैं जहां किसी भी वक्त शैतान आपको प्रेरित कर सकता है, घमंड, स्वार्थ, अपना कुछ वैभव दिखाने का, तो कम से कम उसे मुंह से निकलने से रोक लीजिए। राजा नबूकदनेस्सर ने कहा कि सब कुछ मेरा है, लेकिन दाऊद ने कहा ये सब यहोवा परमेश्वर का है। और अब लास्ट, सबसे महत्वपूर्ण, प्रभु यीशु, जो हमारे विश्वास का सिरमौर है, हमारे विश्वास का आधार है, हमारे विश्वास, हमारे सिद्धांतों को जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस गॉडली इंस्टीट्यूशन की हम चर्चा कर रहे हैं, सोच की हम चर्चा कर रहे हैं, अगर इस पृथ्वी पर उसे किसी ने जिया है तो वो यीशु मसीह है। नम्र और दीन रहा, उसने अपना मुंह नहीं खोला,
उसके मुंह से कोई छल की कपट की बात नहीं निकली, अभिमान की बात नहीं निकली। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी था, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, जिसने सारे संसार को आकार दिया, प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर रहा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन इस संसार में मनुष्य बनकर रहा, लेकिन उसने घमंड नहीं प्रस्तुत किया। वो नम्र रहा, दीन रहा, सरल रहा। अगर आप सरल होंगे तो आप स्वतंत्र होंगे। आज प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर क्यों है, कभी सोचा आपने? क्या उसने बहुत अच्छा भाषण दिया इसलिए? क्या उसने सिर्फ क्रूस की मृत्यु को सह लिया और वो मृत्यु पर जयवंत हो गया सिर्फ इसलिए? अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया है उसे जिया है, इसलिए उसका साम्राज्य आज बिस्तर है। सिखाया बताया तो बहुत लोगों ने, लेकिन उनका साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन प्रभु का साम्राज्य इसलिए स्थिर है क्योंकि जो कुछ उसने सिखाया उसने उसको जिया है। आप उसे जिए, आप उसको जिए। किसी से पूछा गया कि अगर आपको क्रिकेट सीखने के लिए मौका मिले तो आप किससे सीखना चाहेंगे? जवान ने उत्तर दिया कि मैं सचिन तेंदुलकर से सीखना चाहूंगा। किसी से पूछा गया कि अगर आपको संगीत सीखना हो तो सबसे पहले आप किसका नाम लेंगे? उन्होंने कहा मैं लता मंगेशकर के पास जाऊंगा। शी इज द बेस्ट इन सिंगिंग, सचिन इज द बेस्ट इन क्रिकेट। लेकिन आज इस मंच से मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको जीवन किसी से सीखना हो, आप किससे सीखेंगे? जीवन की बातें किससे सीखेंगे? अनंत जीवन का स्वामी आपका मार्गदर्शक कौन होगा जो आपको उस मार्ग में ले चलेगा? यीशु ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, आई एम ए गुड शेपर्ड, आई विल टेक केयर ऑफ यू। उस यीशु मसीह के, देखिए किसी मनुष्य को देखकर भी आप नहीं चल पाएंगे, मुझे देखकर भी नहीं चल पाएंगे। अगर आपको किसी को देखकर चलना है तो वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर चलना है। उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली, उसके मुंह से कोई घमंड की बात नहीं निकली, उसके मुंह से कोई स्वार्थ की बात नहीं निकली, उसने तो अपना सब कुछ संसार को दे दिया। मेरे प्रियो, यही मेरी प्रार्थना है, प्रभु आपको बुद्धि समझ दे। अगर परमेश्वर आपको भौतिक बातों में बढ़ा रहा है, बड़ा घर दे रहा है। मैं जब जयपुर शहर में आया था मैं किराए के घर में था, राइट, बापू नगर में किराए के घर पर रहा, टिन की शर्ट थी। आज जयपुर शहर में प्रभु ने मुझे 4 घर दे दिए। मैं 4 में रहता नहीं हूं, रहता एक हूं, लेकिन घर में परमेश्वर ने 4 घर दिए। जब मैं शहर में आया था प्रभु ने मुझे, मेरे पास एक स्कूटर था, आज कम से कम नीचे 6 गाड़ियां खड़ी हुई है, और आप लोगों की गाड़ियां भी तो मेरी गाड़ियां हैं। हेलो कम ऑन, आप लोगों के घर भी तो मेरे ही है, करेक्ट? तो मैं 4-6 नहीं, मैं तो कहूंगा जितनी गाड़ियां नीचे खड़ी हैं वो सब मेरी हैं, जितने घर आप लोगों के पास है मेरे। इन सारी योग्यताओं को पाकर, इन सब चीजों को पाकर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे घमंडी हो जाना चाहिए? मुझे इन चीजों को देखकर अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने मेरे जीवन के लिए इतनी सारी आशीषें दी और सारी महिमा सारा आदर मिला। परमेश्वर जब आपको भौतिक रूप से बढ़ाए, आपके तंबुओं को छोड़ा करें, आपके घरों को छोड़ा करें, आपके नाम को बढ़ाए, आपको महिमा दे, बड़े मंचों पर ले जाए, याद रखिएगा नम्र और दीन रहिएगा तो आप स्थिर रहेंगे। जो नम्र रहेगा वो स्थायी रहेगा, जो नम्र रहेगा वो सफल हो।